मीनाक्षी, ने अक्सर देखा है कि वोटों के लिए नेता जनता को सराखों पर बिठा लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार वोटरों को ही धमका रहे हैं। ये जनाब कुछ दिन पहले तक आला अधिकारी थे और अब इनकी जुबान देखिए। और आप लोग जो सही चीज के लिए, सही चीजों के लिए मेरा साथ देंगे, उनके लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा। जो सही चीजों के लिए साथ नहीं देंगे, उनके ऊपर मैं कहर बनकर टूटूंगा, ये याद रखिए। कहर बनकर टूटने की धमकी देने वाले ये जनाब नए नए नेता बने हैं। नए नए इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले तक आईएएस थे, अब छत्तीसगढ़ के खरसिया विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जो सही चीजों के लिए साथ नहीं देंगे, उनके ऊपर मैं कहर बनकर टूटूंगा, ये याद रखिए। ओपी चौधरी नेता तो बन गए, लेकिन अफसर शाही का रुबाब अभी गया नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को धमकाने का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि उस भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा होने के कारण मैं भी बहुत पावरफुल व्यक्ति रहूंगा, ये चीज आप लोगों को पता है। ओपी चौधरी 22 साल की उम्र में ही डीएम बन गए थे, मनमोहन सरकार में सम्मानित हो चुके हैं, अगस्त में नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। जो सही चीजों के लिए साथ नहीं देंगे, उनके ऊपर मैं कहर बनकर टूटूंगा, ये याद रखिए। ओपी चौधरी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। हाल ही में उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने शेविंग किट पर अपनी फोटो चस्पा कर वोटरों में बांट दी थी। राजनीति में एंट्री करते ही ओपी चौधरी ने बदलाव के बड़े बड़े वादे किए थे। मैं अपनी ईमानदारी से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जो बेस्ट कर सकता हूं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने 13 साल की जिंदगी में की, मैंने आने वाले जिंदगी में भी उस चीज को करने का पूरा प्रयास करूंगा। हकीकत देखिए, जो सही चीजों के लिए साथ नहीं देंगे, उनके ऊपर मैं कहर बनकर टूटूंगा, ये याद रखिए। लेकिन लगातार विवादों में रहने से ऐसा लग रहा है कि सत्ता मिलने से पहले ही उन पर सत्ता की खुमारी चढ़ रही है। सबको पता होना चाहिए कि 2019 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बना रहे हैं। सुनील नामदेव, खरसिया, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।